हेलो गाइस, वेलकम है आप सभी लोगों का आज की एक न्यू वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि आप अपने पीसी के अंदर GTA San Andreas के क्रैश को किस तरीके से रिमूव कर सकते हो। ये वीडियो काफ़ी रिक्वेस्टेड होने वाली है क्योंकि काफ़ी बंदे बोल रहे थे कि GTA San Andreas के ऊपर वीडियो बनाओ पीसी के लिए, जिसमें अपन अपना जो क्रैश है वो बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं। अभी तक मैं GTA San Andreas एंड्रॉयड की वीडियो बनाता आया हूँ, लेकिन अब ये जो है अब मेरी पीसी वीडियो होने वाली है, ये वाली वीडियो जिसमें आपको GTA San Andreas के क्रैश के बारे में बताने वाला हूँ। अगर आप कोई भी मोड रैंडमली इंस्टॉल करते हो अपनी गेम के अंदर तो आपका जो गेम होता है वो क्रैश हो जाता है ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर कभी कभार कोई मोड भी इंस्टॉल नहीं होता उसके बाद भी जो गेम है वो क्रैश करने लग जाता है और बहुत सारी इश्यूज़ जो है वो देता है। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है और इस वीडियो में आपको ऐसे थ्री वेज जिसकी वजह से आपका जो गेम का क्रैश होगा वो बिल्कुल ही रिमूव हो जाएगा एंड आप जो है अपनी गेम को अच्छे से इन्जॉय कर पाओगे। ठीक है, तो ये वीडियो पूरी देखते रहो क्योंकि इस वीडियो के अंदर आपको सभी मेथड जो है मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो पूरी देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि सारी चीज़ें जो है क्लियर होने वाली है। जो भी बंदा अपने पीसी के अंदर GTA San Andreas के लिए जो क्रैश है वो फिनिश करना चाहता है, सो इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते रहिए। ऑल्सो मैं बता दूँ, काफ़ी टाइम बाद जो है वीडियो आ रही है, बहुत टाइम हो जाता है तब जाके वीडियोस अपलोड हो रही है चैनल पे। अब इसका रीज़न ये है कि मेरी वीडियो पे बार बार येलो डॉट्स का साइन आ जा रहा है। अब ऐसा क्यों हो रहा है मेरे को नहीं पता, लेकिन काफ़ी टाइम से ये चीज़ मैं फेस कर रहा हूँ येलो डॉट्स वाली, एंड इसकी वजह से जो है मेरी बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हो रही है। सो मैंने सोचा कोई बात नहीं, कुछ दिन तक होगा अपने आप सही हो जाएगा, लेकिन ये जो प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है लगभग जितने भी वीडियो डाल रहा हूँ सभी में ये होती जा रही है। और फिर मैंने जब मालूम किया तो मुझे पता लगा कि जो मैं वीडियो सभी डाल रहा हूँ उनका जो कॉम्पिटिशन है बहुत ज़्यादा हाई है और ऐसी वीडियोस YouTube पे ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने डाल रखी है। दैट्स वाई कि मुझे बार बार येलो डॉलर का साइन आ जा रहा है और इस वजह से बहुत प्रॉब्लम्स हो रही है मुझे। सो इसलिए उस इशू को फिक्स करने के लिए मैं बार बार जो है देख रहा हूँ और इस वजह से वीडियो लेट हो रही है, और वीडियो जैसे मैं अपलोड करता हूँ उस वीडियो पे येलो डॉलर का जो साइन होता है वो आ जाता है। ठीक है, लाइव स्ट्रीम में ये प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन वीडियोस पे ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे नहीं पता ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है, लेकिन मुझे लगता है कि ये ऐसे कंटेंट से ही हो रही है। तो मैं देख रहा हूँ धीरे धीरे, या तो मुझे लगता है कि मुझे अपना कंटेंट चेंज करना चाहिए और नहीं तो फिर मुझे ऐसे कंटेंट डालने बंद करने चाहिए। इसका क्या सजेशन होता है आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और इसके बारे में आपकी क्या राय है वो भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं, सो बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स गो। वो सबसे पहले यहाँ पे आपको आइकन दिख रहा होगा GTA San Andreas शॉर्टकट नाम का, इस आइकन पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पे जाओ। प्रॉपर्टीज़ पे जाने के बाद में कैपेबिलिटी पे जाओ। यहाँ पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे दिखेगा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा रन दिस प्रोग्राम एज एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ये जो होगा ऑप्शन यहाँ पे आपको टिक कर देना। ठीक है, मेरा यहाँ पे ऑलरेडी टिक करा हुआ इसलिए मेरा गेम बहुत अच्छे से चलता है। ठीक है, आप ये चीज़ कर देना। और एक बात, रन दिस प्रोग्राम इन कैपेबिलिटी मोड 4 यहाँ पे टिक करके एंड यहाँ पे इसको विंडोज़ 8 कर देना। ठीक है, विंडोज़ 8 कर देना, विंडोज़ 8 से ऊपर सपोर्ट करेगा नहीं इसलिए विंडोज़ 8 कर देना, बस हो गया। ठीक है, कंप्लीट अप्लाई एंड ओके हो गया। सो गाइस, यहाँ पे आपने देखा कि हमने पहला स्टेप तो कंप्लीट कर लिया, एंड पहले स्टेप के अंदर आपने देखा कि आपको ये प्रॉब्लम अगर आती है क्रैश की, तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप ये मेथड अप्लाई कर सकते हो, तो मे बी आपका जो क्रैश है वो फिक्स हो जाएगा। एंड अगर इसके बाद भी अगर आपका क्रैश जो है रिमूव नहीं होता, तो आगे के जो 2 मेथड है वो आपके लिए बहुत ही काम के होने वाले हैं। सो आगे के ये जो 2 मेथड है उनको ज़रूर देखो और लेट्स गो टू दी नेक्स्ट स्टेप। तो जो सेकंड मेथड है, उस सेकंड मेथड के अंदर आपको एक फ़ाइल डाउनलोड करनी होगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल होगी और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको एक्सट्रैक्ट हेयर कर देना है सिंपल से, फिर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा। ठीक है, इस फोल्डर के ऊपर जाओगे आपको एक फ़ाइल मिलेगी, ठीक है, क्रैश डम नाम की, और इस फाइल को जो है आपको अपने GTA San Andreas के फोल्डर में कॉपी करना होगा। यहाँ पे आप GTA San Andreas पर राइट क्लिक करके ओपन फाइल लोकेशन पे जा कर के देन यहाँ पे आकर के अपनी जो फाइल है उसको यहाँ पे ऐसे ट्रैक कर लो इसके अंदर। ठीक है, अब ये आ चुकी है आपके गेम के अंदर। ठीक है, अब आपका जो गेम है वो क्रैश नहीं होने वाला। ठीक है,
सो गाइस, जैसा कि आपने देखा स्टेप टू के अंदर, यहाँ पे स्टेप टू जो था, ये मुझे लगता है आप सभी लोगों के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, बिकॉज ये वाला जो मेथड था ये उन लोगों के लिए जिनका जो गेम है वो लोडिंग स्क्रीन पे ही अटक जाता है, यानी कि जैसे आप गेम चालू करते हो आपका गेम चालू होते होते ही आपका जो गेम होता है वो क्रैश हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में ये चीज़ अगर अप्लाई करते हो, ये फाइल को अगर आप पेस्ट करते हो, तो जो आपका क्रैश है वो बिल्कुल ही रिमूव होने वाला है, बिल्कुल रिमूव, ठीक है। और मुझे पता है कि ये जो ट्रिक है आपके वर्क ज़रूर करेगी, और अगर वर्क करती है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। उससे पहले हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, और जो नेक्स्ट स्टेप होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा काम का होने वाला है, लेकिन आपको उसमें कुछ चीज़ें भी करनी पड़ेगी। वो बेसिकली ये जो चीज़ है इसके लिए आपको कुछ कुर्बानी करनी पड़ेगी। कुर्बानी अब मैं बता रहा हूँ कैसी, जैसे कि आपको पता होगा कि अगर आपने अपने GTA San Andreas के अंदर कोई मोड इंस्टॉल किया है उसकी वजह से आपका गेम क्रैश हो रहा है, आपने सभी चीज़ें कर ली, ये दो चीज़ें जो मैंने बताई है ये भी कर ली, उसके बाद भी अगर आपका गेम क्रैश हो रहा है, तो इसका एक सॉल्यूशन है कि आप अपने जो मोड को है, बेसिकली जो आपने इंस्टॉल किया है, उसको पूरी तरीके से एक बार चेक करिए, आपने फोल्डर के अंदर हर एक एक फाइल को वहाँ से रिमूव करके, और फिर एक बार ट्राई करिए गेम चलाने का, गेम चल रहा है कि नहीं। और ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि ये चीज़ मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ये चीज़ बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी और ये आपको ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि आपने जो मोड इंस्टॉल किया है उसका क्या मेथड है, कितनी फाइल्स है, जो कितनी अननेसेसरी फाइल्स है जो आपके गेम क्रैश कर रही है, तो वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। और अगर उससे भी नहीं होता है तो इसका मतलब यही है कि वो जो मोड है आपके गेम को क्रैश कर रहा है। सो सिंपल सा मेथड ये रहेगा कि आप उस मोड को अपने गेम से हटा दो, वरना आपका गेम जो है बहुत ही गंदा क्रैश होने वाला है, ठीक है। सो बेसिकली थर्ड स्टेप यही है, अगर आप रिमूव कर देते हो उस मोड का जो मोड आपका गेम क्रैश कर रहा है, तो आपका जो गेम है वो बिल्कुल भी क्रैश नहीं होने वाला, ठीक है। सो मुझे लगता है कि मैंने सारी चीज़ें बता दी है, एंड आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। क्रैश फिक्स होता है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, फीडबैक ज़रूर देना, तब तक लिए बाय।